बाइक सवार तीन बदमाशों ने असलहे के बल पर एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर से लगभग 3.5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 18 अगस्त 2020 को बाइक सवार तीन बदमाशों ने असलहे के बल पर एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर से 3.5 लाख की लूट की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दे डाला। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब कंपनी का मैनेजर रुपए से भरा बैग लेकर बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था। दिन दहाड़े हुई लूट से शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। बताते चलें कि पूरा मामला कोतवाली नगर के प्यागीपुर स्थित गणपत सहाय डिग्री कॉलेज के समीप का है, जहाँ कोतवाली देहात थाना अंतर्गत जोगीबीर में यूजनेक्स मेडिसाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑफिस है। मंगलवार सुबह कंपनी के मोहित श्रीवास्तव 3,67,000 कैश लेकर शहर स्थित बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने के लिए आ रहे थे। अभी वो गणपत सहाय डिग्री कॉलेज के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से आए एक बाइक सवार तीन बदमाशों ने असलहे के बल पर रुपयों से भरा बैग छीना और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। सीओ सिटी ने बताया कि जाँच की जा रही है, पीड़ित के बयान के आधार पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। नाम मोहित श्रीवास्तव। ये आज क्या घटना हुई है जो आप कोतवाली में बैठे हैं? मेरे साथ लूट हो गई है। मैं अपने ऑफिस से कैश 3,67,000 लेके निकला था बैंक ऑफ इंडिया जमा करने के लिए। मेरा ऑफिस जोगीबीर अनून होटल के पास है और मैं जैसे ही गणपत साहब पीजी डिग्री कॉलेज के बंद वाले गेट पे पहुंचा, टंकी के आगे, वैसे ही एक बाइक सवार तीन आदमी उस पर थे। उन्होंने कट्टा लगाकर हम लोगों से वो बैग छीन लिया। तो कुछ उनकी जानकारी हुई कि कौन था या कैसे है, कुछ पहचान है उनकी? ये पहचान उस तरह से नहीं है, मगर किसी ने मुंह नहीं बांधा हुआ था अपना। पीछे वाला लड़का लंबा सा था, जिसके पतली मूंछ थी। ठीक, कितने की लूट हुई है? 3,67,000। जिस जगह पर लूट हुई है, क्या वहाँ कुछ सीसीटीवी कैमरे भी नजर आए आपको? सीसीटीवी कैमरा वहीं पे हार्डवेयर की दुकान पे लगा था पहले, तो उसने बोला कि दिखाएंगे। बाद में हम लोगों की कोई बात ही नहीं। जो यहाँ यूजेनिक्स मेडिकल सर्विसेज के ब्रांच मैनेजर हैं, वो अपने स्थानीय कार्यालय से कैश लेके जा रहे थे। उनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है, बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। तो रास्ते में कुछ लोगों के द्वारा ओवरटेक करके उनसे पैसा छीन लिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। आसपास के लोगों से भी तस्दीक किया जा रहा है और घटना के संदर्भ में विस्तृत जाँच प्रचलित है। शीघ्र ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने अमाउंट बता रहे हैं? अभी इनके द्वारा जो अमाउंट बताया जा रहा है वो 3,67,000 बताया जा रहा है। क्या असलहे के बल पर लूट किया है बता रहे हैं? वादी से अभी पूछताछ चल रही है, उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई।